हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं लाइव साइबर अटैक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में लाइव साइबर अटैक्स किस तरह से होते हैं, कौन इन अटैक्स को परफॉर्म करता है, यानी कि लाइव हैकिंग आज हम देखने वाले हैं। उन वेबसाइट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर आप जाके खुद लाइव अटैक्स देख सकते हैं, लाइव साइबर अटैक्स देख सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अटैक परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया पर अटैक परफॉर्म हो रहे हैं, इंडिया कौन सी कंट्री पर अटैक परफॉर्म कर रही है, इंडिया टू चाइना, चाइना टू अमेरिका, इस तरह से जितनी भी कंट्रीज इन सब में इन्वॉल्व हैं हम वो सब देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टैट्स बताना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि 94% ऑफ मालवेयर हैं वो आपके मेल्स के थ्रू जाते हैं। मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, आपकी रूट किट है, यानी कि जो आपके सिस्टम को ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में वायरसेस डालते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम का पूरा डेटा चोरी करके किसी और के सिस्टम में डालते हैं, जी जितने भी वायरस होते हैं यानी कि 94% ऑफ द मालवेयर होते हैं ये आपके मेल के थ्रू ट्रेवल करते हैं। यानी कि जो आपके पास ईमेल्स आते हैं, ईमेल के अंदर जो अटैचमेंट आपको देखने को मिलते हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे जो लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे जो आपके पास फोटोज वीडियोज आती हैं, उनके थ्रू 94% मालवेयर ट्रैवल करते हैं इंटरनेट में। और क्या आपको पता है कि हर एक मिनट में फिशिंग अटैक्स की वजह से $17,700 का नुकसान होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12,40,000 रुपए का नुकसान हर एक मिनट में फिशिंग अटैक की वजह से। पर क्या आपको यह पता है कि यह अटैक करता कौन है, कहां से यह अटैक होते हैं और किस तरह से यह अटैक परफॉर्म करे जाते हैं, तो इन्हीं चीजों को आज हम वेबसाइट्स की मदद से देखेंगे, वो भी लाइव। तो चलिए आज मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है कैस्पर स्काई की। तो चलिए चलते हैं गूगल पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं cybermap.caspersky.com की, यानी कि इस वेब एड्रेस को अगर आपने गूगल सर्च इंजन में जाके लिखेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ गया, यानी कि ये पेज आपके पास खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव साइबर अटैक्स। अब जितनी भी वेबसाइट्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पर जाके उस लिंक पर जा सकते हैं, उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं लाइव साइबर अटैक्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कैस्परस्काई साइबर मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलग अलग सी रेज आ रही हैं, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर की रेज है, ब्लू कलर की रेज है और यहाँ पे पूरा अर्थ का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो कंट्री हैं उनका, जैसे कैनेडा है, यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, इस तरह से आप देखेंगे मल्टीपल कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको मैप दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे साइड में आपको एक दिखेगा जूम इन का ऑप्शन, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और उसको हम जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये केनिया है आपका, ये सूडान है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स आपको यहाँ पे कंट्रीज दिख रही है। तो इस तरह से आपको देखिए अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया को देखें तो अब थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं, फिर हम यहाँ पे इंडिया पे चलते हैं। हमने जूम आउट कर दिया, अब देखिए ये रहा चाइना और ये रहा इंडिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इंडिया जो है वो 10th मोस्ट अटैक्ड कंट्री, यानी कि 10वीं ऐसी कंट्री जो जिसपे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं साइबर अटैक्स। अब इस तरह से आप किसी भी कंट्री के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं वो कौन से नंबर पे आता है। अब जैसे कि हमने इंडिया पे भी क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडिया है वो 10th मोस्ट अटैक्ड कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अलग अलग कलर्स में आपको एक वैल्यू दिख रही है, यानी कि ये क्या है, ये ऑन एक्सेस स्कैन है, इसका है ऑन डिमांड स्कैन। अब जो कैस्पर स्काई है इससे हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऑन डिमांड स्कैन है, आइडिया स्कैन है, वर्नेबिलिटी स्कैन है, हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर भी काफ़ी अटैक इस टाइम हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, देखिए ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है, चाइना से भी अटैक हो रहे हैं, इंडिया से भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली पूरा साइबर थ्रेट का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं रियल साइबर अटैक्स जो भी इस टाइम पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। तो आप होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा देख के, आपने शायद जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पहले उन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ये पूरा दिखा रहा है, देखिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया है, ये चाइना है, ये यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान है। तो इस तरह से आप इसको पूरा एग्जामिन करके आप देख सकते हैं कौन सा अटैक कहाँ पे हो रहा है, कौन सा बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब हम सेकेंड पे चलते हैं, वो है fireeye.com। अब जो fireeye.com है इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस लिंक को देख सकते हैं क्लिक करके किस तरह से इसमें साइबर अटैक होते हैं। अब यहां पे हम क्लिक करते हैं व्यू फुल स्क्रीन पे।
अब व्यू फुल स्क्रीन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से जैसे जॉर्डन से अटैक हो रहा है चील पे, अब यहाँ पे कोरिया से थाईलैंड पे अटैक हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम से अटैक हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए मल्टीपल आपको यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, यूनाइटेड स्टेट कोलंबिया पे कर रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे अटैक मिल गया है। अब ऊपर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से अटैक हो रहे हैं, न्यू अटैक कहाँ से हुआ है, जर्मनी से हुआ है, अल्जीरिया से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से हुआ है, और ये भी दिखा रहा है कौन सी स्टेट कहाँ पे कर रही है, सॉरी कौन सी कंट्री कहाँ पे कर रही है, जैसे कि थाईलैंड कर रही है ताइवान पे, ठीक है चाइना कर रही है थाईलैंड पे, इजिप्ट कर रहा है मैक्सिको पे। तो इस तरह से आपको लाइव साइबर अटैक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ इस फुल स्क्रीन को। अब तीसरी वेबसाइट पे चलते हैं जो है checkpoint.com, यानी कि threatmap.checkpoint.com। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री किस कंट्री पर अटैक कर रही है। टॉप टारगेटेड कंट्री में देखिए यहाँ पे इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया का, नेपाल है इसमें, ठीक है इंडोनेशिया है, बोलिविया है, इंडिया है, मंगोलिया है, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे उसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है अब टॉप टारगेटेड इंडस्ट्रीज़, यूटिलिटीज़, फाइनेंस और हेल्थ केयर, यानी कि तीन इंडस्ट्री हैं इस पर टॉप टारगेट जो हैकर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं, वो होते हैं यूटिलिटीज़ जो कंपनी होती है, फिर जो फाइनेंस की कंपनी है, फिर जो हेल्थ केयर की कंपनी है, वो इस पर अटैक करते हैं। तीसरा है टॉप मालवेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है कौन से मालवेयर के थ्रू होता है, वो होता है बैकडोर के थ्रू अटैक होता है, बैंकिंग और बॉटनेट्स। बॉटनेट्स की वीडियो में पहले बना चुका हूँ और इन सब मालवेयर्स के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा आपको लाइव देखने को मिल रहा है कि कौन सा अटैक हो रहा है, वो किस पे कर रहा है, इसे यूनाइटेड स्टेट्स पोर्तुगल पे कर रहा है, ग्रीस पे कर रहा है, ठीक है इंडोनेशिया पे कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको अगर आप इसको खुद से अपने सिस्टम पे लॉगिन करके देखेंगे, आपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। फोर्थ हम बात करते हैं फोर्टीनेट थ्रेट मैप की लास्ट वेबसाइट है। हालांकि इसकी 10 से 15 वेबसाइट आपको पूरे इंटरनेट में काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन जो टॉप वेबसाइट जो मुझे लगती हैं वो ये टॉप 4 ये हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटैक का नाम है, ये लोकेशन भी दिखा रहा है और इसकी जो सेवरिटी है कितनी हाई है, लो है, मीडियम, ये भी आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कौन से अटैक कहाँ पे कर रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा एग्जामिन कर सकते हैं, फोर्टीनेट को यूज़ कर सकते हैं, लाइव साइबर थ्रेट मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक पॉइंट के या फिर फायर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैस्परस्काई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।